चलिए न्यूज रूम लाइव में खबरों की शुरुआत करते हैं। चुनाव आयोग में पीएम मोदी और अमित शाह की शिकायत के बाद जब कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और प्रधानमंत्री मोदी पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी पर आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। मोदी और शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस। शिकायत के बाद भी चुनाव आयोग ने नहीं की थी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस ने की कार्रवाई की अपील। मंगलवार को मोदी और शाह पर सुप्रीम सुनवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ 24 घंटे में फैसला लेने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की है और अब सुप्रीम कोर्ट मामले पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। कोर्ट इस मामले में मंगलवार को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कांग्रेस की पिटीशन पर कहा कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह द्वारा आदर्श आचार संहिता का कथित रूप से उल्लंघन करने के मामले में मंगलवार को सुनवाई होगी। कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता सुष्मिता देव ने इस संबंध में न्यायालय में पिटीशन दाखिल की है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि देव की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी। इस पिटीशन में हमने डायरेक्शंस मांगे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक्शन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने कई सारी करीब करीब 8 कंप्लेंट्स प्रधानमंत्री और अमित शाह के खिलाफ डाला पार्टी की तरफ से कि जिस तरह के भाषण वो रख रहे हैं सेना को लेकर कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे कंप्लेन को खारिज कर सकती है पर उस पर कार्रवाई ना हो ये हमारे देश के कानून के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में सुष्मिता देव की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप लगाया कि मोदी और शाह ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है और निर्वाचन आयोग उनकी शिकायत पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सिंघवी ने कहा कि देश में 4 सप्ताह से आचार संहिता लागू है। प्रधानमंत्री और शाह कथित रूप से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। कांग्रेस की याचिका में मांग की गई है कि मोदी और शाह पर चुनाव आचार संहिता के कथित उल्लंघन को लेकर चुनाव आयोग को कार्रवाई के लिए तत्काल निर्देश दिए जाएं। कांग्रेस का कहना है कि 23 अप्रैल को मतदान के दिन गुजरात में रैली कर प्रधानमंत्री ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था, बावजूद इसके शिकायत पर भी चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। जो 10 शिकायतें हमने सिर्फ प्रधानमंत्री के विषय में 10 की बात कर रहे हैं उनमें से एक में भी न प्रधानमंत्री न अमित शाह के विषय में एक में भी एक्शन नहीं लिया गया। आज महीना भर हो गया है इसका कोई जवाब नहीं है। चुप्पी अपने आप में जवाब है, चुप्पी अपने आप में निर्णय है, न निर्णय करना अपने आप में निर्णय है। सो डिसीजन बाय डिफॉल्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल, दैट इज व्हाट वी हैव सबमिटेड। नाउ वी कैनॉट डू मोर देन दिस एंड वी एक्सपेक्ट द इलेक्शन कमीशन टू डिस्चार्ज इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी विदाउट हेजिटेशन इमीडिएटली एंड फॉरथविथ। हमारी वायुसेना ने बहादुरी से बालाकोट में उसका जवाब दिया, परंतु वो प्रधानमंत्री जो अपनी जिम्मेवारी छोड़कर भाग गए थे अदाकारी के लिए, जिम्मेवारी बनाम अदाकारी की लड़ाई थी पुलवामा में, प्रधानमंत्री अपने पद की जिम्मेवारी छोड़ गए और उन्होंने अदाकारी को यानी एक्टिंग को ज्यादा महत्वपूर्ण माना। वो प्रधानमंत्री सेना के शौर्य का इस्तेमाल करे, शौर्य का श्रेय लेने की तो होड़ है परंतु पद की जिम्मेवारी को निभाने की होड़ नहीं। कांग्रेस पार्टी ने इसलिए आदरणीय सिंघवी साहब और अन्य साथियों के माध्यम से केवल ये कहा कि आप सेना के शौर्य का श्रेय इस देश के सैनिकों और बहादुरों को दीजिए।
कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह नफरत भरे भाषण दे रहे हैं। चुनाव आयोग द्वारा रोक लगाए जाने के बाद भी राजनीतिक प्रोपेगेंडा के तहत भाषणों में सुरक्षा बलों का बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस पर चुनाव आयोग पहले भी रोक लगा चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की इस याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कार्रवाई को लेकर चुनाव आयोग को तलब किया था और इसके बाद आजम खान, सीएम योगी और मायावती जैसे दिग्गजों पर प्रचार पर प्रतिबंध लगाकर कार्रवाई की गई थी। हालांकि अब देखना होगा कि इस मामले में कोर्ट चुनाव आयोग को क्या निर्देश देता है। रिपोर्ट जनता टीवी। और आखिरी चरण के चुनाव को लेकर नामांकन के आखिरी दिन आज कई दिग्गजों ने नामांकन किया है। पंजाब के गुरदासपुर सीट से सनी देओल ने नामांकन किया तो पटना साहिब सीट से शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। और भी कई दिग्गज थे जिन्होंने आज नामांकन दाखिल किया। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। सबसे पहले तीन तस्वीरें, जहां देश में चौथे चरण का मतदान चल रहा था, वहीं दूसरी ओर आखिरी चरण को लेकर नामांकन का आखिरी दिन भी था और दिग्गज नामांकन करने के लिए पहुंच रहे थे। पहली तस्वीर में सनी देओल, जिन्होंने गुरदासपुर सीट से पर्चा दाखिल किया। वहीं भटिंडा में बहु हरसिमरत कौर के कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने नामांकन दाखिल किया। इसके साथ ही तीसरी तस्वीर बिहार के पटना साहिब सीट की, जहां शत्रुघ्न सिन्हा ने नामांकन दाखिल किया। अब बात आज की सबसे खास तस्वीर। जी हां, अभिनेता से नेता और फिर भाजपा प्रत्याशी बने सनी देओल ने गुरदासपुर लोकसभा सीट से सोमवार को अपना नामांकन दाखिल किया। देओल ने सबसे पहले अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका और फिर गुरदासपुर में नामांकन दाखिल करने पहुंचे। सन्नी के साथ इस मौके पर उनके भाई और अभिनेता बॉबी देओल भी मौजूद थे। हालांकि इस दौरान सन्नी मीडिया से दूरी बनाए नजर आए। वहीं अभिनेता धर्मेंद्र ने ट्वीट कर लोगों से अपने बेटे सन्नी देओल की जीत के लिए समर्थन मांगा। वहीं दूसरी ओर भाजपा सांसद और मथुरा से प्रत्याशी हेमा मालिनी भी अपने बेटे के लिए वोट की अपील करती नजर आई। हम राजनीति की तो एबीसी नहीं जानते, हाँ देशभक्ति हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। हम अपने देश की सेवा करेंगे। सनी देओल से क्या उम्मीद है? सनी, मैंने बीकानेर में जो कुछ किया है वो जाके देखिए, बताइए लोगों को कि हमारे धर्मेंद्र ने ये किया। सनी भी देश की सेवा करेगा बस। सनी देओल, यस सनी, सनी टेकन ए वेरी गुड डिसीजन, बहुत अच्छा डिसीजन लिया। तो हमारे बीजेपी के साथ मिलकर गुरदासपुर से खड़े हैं, तो उनके बहुत बड़े फैन फॉलोइंग भी है और वो बिलीव करते हैं इस मोदी सरकार में, इसके लिए वो भाग ले रहे हैं। सन्नी के बाद अब बात प्रकाश सिंह बादल की। जी हां, अकाली दल के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भटिंडा सीट से अपनी बहू हरसिमरत कौर बादल के कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया। हालांकि इस सीट पर भाजपा ने केंद्रीय मंत्री और प्रकाश सिंह बादल की बहू हरसिमरत कौर को प्रत्याशी बनाया है और वो इस सीट पर दो बार से सांसद भी हैं। और अब बात तीसरे दिग्गज की। जी हां, पटना साहिब से मौजूदा सांसद और भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने आज नामांकन दाखिल किया। नामांकन के पहले शत्रुघ्न सिन्हा ने पटना में रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन भी किया। शत्रुघ्न नामांकन के लिए खास तौर पर सजाई गई एक बस में सवार थे। बस पर कांग्रेस के नेताओं की तस्वीरें लगी हुई थी। शत्रुघ्न का रोड शो बाकरगंज कारगिल चौक होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा और नामांकन के बाद शत्रुघ्न ने एक बार फिर जीत का दावा किया। आपने तो खुद देखा, ऐसा रिस्पांस है कि जहां पे आना और जाना आपने आज देखा है। नामांकन भरने के वक्त कलेक्ट्रेट में आना जाना होता है, लेकिन आते वक्त आपने देखा, जाते वक्त कितनी मुश्किल से पहुंच पाया। इतना लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई कि पुलिस ने अंतोगत्वा मुझे उन जल्द से निकालने की कोशिश की और जल्द से जल्द उन्हें पुलिस की जीप में बैठा के निकालने की कोशिश की। उनको लग रहा था कि इतना ज्यादा उत्साह है लोगों का। पट्टा साहिब सीट पर इस बार शत्रुघ्न सिन्हा का मुकाबला केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ होने वाला है, लिहाजा अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुकाबला कितना रोमांचक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट जनतंत्र टीवी। और बीजेपी में साध्वी वर्सेस स्वाध्वी की तमाम जो अटकलें जो खबरें थी उस पर उमा भारती ने
फुल स्टॉप लगा दिया है, क्योंकि पहले उमा भारती के बयान से ये मायने निकाले जा रहे थे कि कहीं ना कहीं साध्वी प्रज्ञा के लिए उनके बयानों में तल्खियां हैं, लेकिन वो तस्वीर अलग थी। लेकिन अब जो तस्वीर देखने को मिली है वो इससे बेहद जुदा है, बेहद अलग है। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी में साध्वी प्रज्ञा और उमा भारती के बीच तल्खियों की जो खबरें आ रही थी उन पर अब विराम लग गया है। दरअसल उमा भारती ने मध्य प्रदेश के कटनी में किए गए सवाल, क्या एमपी में साध्वी प्रज्ञा सिंह ने आपकी जगह ले ली है, पर कहा कि साध्वी प्रज्ञा एक महान संत, मेरी उनसे तुलना मत कीजिए, मैं एक साधारण और मूर्ख प्राणी हूँ। इसी बयान पर साध्वी वर्सेस साध्वी का माहौल बन गया। उमा जी, मध्य प्रदेश की राजनीति में साध्वी प्रज्ञा का उमा जी का स्थान लेने जा रही हैं? वो तो एक महान संत है, मेरी उनसे तुलना ही नहीं करी, मैं तो बहुत ही साधारण मूर्ख किस्म का प्राणी हूँ। भोपाल में कांग्रेस कैंडिडेट दिग्विजय की टक्कर में उतारी गई साध्वी प्रज्ञा उमा के इस बयान और इस बयान के निहितार्थ को समझ चुकी थी, लिहाजा सोमवार को चुनाव प्रचार पर निकलने से पहले बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर उमा भारती से मिली। रिश्तों में जमी कथित बर्फ आंसू के रूप में पिघली। आशीर्वाद स्वरूप उमा ने प्रज्ञा को अपने हाथ से खीर खिलाई, माथा चूमा और आंखों से बहती अश्रुधारा पोछी। हाँ, उमा दीदी से मिलने आए, मैं अपनी दीदी से मिलने आई हूँ, इसमें और क्या कहना। हाँ, उमा दीदी से मिलने आए, मैं अपनी दीदी से मिलने आई हूँ, इसमें और क्या कहना। सारे लोग इनका गोत्र एक ही है, ये कांग्रेसी हो चाहे वामपंथी हो, ये सब अभी मिलकर के एक हैं। उसका कारण है कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी खत्म हो गई है, आइडियोलॉजी के मामले में कांग्रेस बैंकरप्ट हो गई है, तो वो आइडियोलॉजी को ले रहे हैं वामपंथियों से, और वामपंथियों में भी अब कोई बचा नहीं है, क्योंकि जब गुजराल और देवगौड़ा की सरकार को वामपंथियों ने समर्थन किया और उसी समय पूरे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के करार हुए WTO के, तो उसके कारण वामपंथियों की विचारधारा भी खत्म हो गई, तो अब उनके पास गाली गलौज करने वाले और देश तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाने वाले जैसे लोग यहाँ आ रहे हैं। इससे कन्हैया कुमार जी यहाँ आएंगे, इससे हमें क्या फर्क पड़ने वाला है, दिग्विजय सिंह को ही सफाई देनी पड़ेगी, वही सफाई दें इस बात। साध्वी प्रज्ञा और उमा भारती के गले मिलते, पैर छूते और स्नेह की वर्षा की तस्वीरों को पॉलिटिकल पंडित बीजेपी के लिए शुभ संकेत मान रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि आने वाले वक्त में भोपाल सीट का सियासी संग्राम बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और न्यूज रूम लाइव में वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत आपका। पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट पर मतदान और हंगामा आज दोनों एक साथ देखने को मिला। बाबुल सुप्रियो की गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए गए और हुआ यूं कि दोनों पार्टियां चुनाव आयोग के दर पर पहुंची और इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग कर डाली। पश्चिम बंगाल में हिंसा और मतदान, आसनसोल में वोटिंग और लाठी चार्ज। बाबुल सुप्रियो की गाड़ी पर हुआ हमला। और आखिर में चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी और TMC। ये नजारा है पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र के महापर्व का, जहां वोटिंग और लाठीचार्ज एक साथ देखने को मिले। देखिए किस तरह से सुरक्षा बलों को यहां मशक्कत करनी पड़ रही है। और अब इस गाड़ी की तस्वीर को भी देखिए, जिसका शीशा फूट चुका है। दरअसल ये गाड़ी भाजपा के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो की है और आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बाबुल सुप्रियो की गाड़ी का ये हाल किया है। हालांकि टीएमसी का आरोप है कि बाबुल जबरन पोलिंग बूथ में घुसकर मतदान करवाने की कोशिश कर रहे थे और इसके बाद ये हंगामा बरपा।
बाबुल और मुनमुन के बीच आसनसोल में मुकाबला है। हालांकि आज तस्वीरों में दिन भर बाबुल तो दिखाई दिए, लेकिन दोपहर तक मुनमुन फिल्म से गायब नजर आई। हालांकि चुनाव के दिन पश्चिम बंगाल में हिंसा पहली बार नहीं हुई है, बल्कि पिछले चरणों में भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी। यानी कि कोई भी चरण ऐसा नहीं रहा जब पश्चिम बंगाल छिटपुट हिंसा से अछूता रहा हो। बंगाल के आसनसोल में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो की कार पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, जिससे उनकी गाड़ी का शीशा फूट गया। हालांकि इस हमले में उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यहां सुप्रियो के सामने टीएमसी की मुनमुन सेन मैदान में है। सुप्रियो ने टीएमसी पर हिंसा करने का आरोप लगाया है। Intimidation tactics. Then I would have reacted in a different manner. Now, before I left my house, I told all of you that the first booth that I'm going to go, where there is trouble or there is intimidation, no election agent beaten up, you yourselves saw me picking up the election agent almost 400 meters away from the booth by the Barabani railway station. He was roaming around trying to hide. We picked him up, we went to the booth, and the people were saying there openly, you guys all took the interview, that they were not being allowed to vote, they are being forced to vote on, and we went inside. If you anyone got that footage, if you could please share it with me. The polling agent, the presiding officer holding hands, some Mr. Singh, booth number 199, saying that I'm very sorry. He was very scared the moment I heard it. And we got the polling agent. Lok Sabha चुनाव में लगातार चारों चरणों में हो रही हिंसा की शिकायत को लेकर बीजेपी चुनाव आयोग पहुंची, तो टीएमसी भी बाबुल की शिकायत लेकर चुनाव आयोग में शिकायत करने पहुंच गई। भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने टीएमसी की ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं टीएमसी ने कहा कि बाबुल बूथ में घुसकर जबरन भाजपा के पक्ष में वोटिंग करवाने की कोशिश कर रहे थे। वोट के अधिकार को गुंडागर्दी के माध्यम से, अराजकता के माध्यम से रोकता है तो वो केवल आदर्श चुनाव आचार संहिता का ही उल्लंघन नहीं है, बल्कि ये बहुत जघन्य और गंभीर अपराध है। ये कत्ल से भी बड़ा अपराध है। और इस संबंध में चुनाव आयोग ने वहाँ पर स्पेशल ऑब्जर्वर्स बनाए हैं, पुलिस ऑब्जर्वर बनाए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जो गुंडे हैं, जो अराजक तत्व हैं, वो पूरी तरह से उन बूथों पर, जिन बूथों पर कि भयमुक्त माहौल में, स्वतंत्र माहौल में चुनाव होना चाहिए, उसमें वो स्वतंत्र और भयमुक्त माहौल में चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। दिस इज द वीडियो। किस चीज़ का है ये? जो सेंट्रल मिनिस्टर जो बाबुल सुप्रियो तो आसनसोल में अपना बूथ में जा करके ऐसा प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो जितना भी ऑफिसर्स है वो लोग को धमका रहा है। ये दिस इज द वीडियो, वीडियोग्राफी ये देखिए। ऐसा अवस्था है पश्चिम बंगाल में, जो सेंट्रल फोर्स आ करके जैसा कर रहा है, जो इलीगली इंस्टिगेट कर रहा है वोटर्स को, और मंत्री होकर के जो देखिए जो भीतर में जा करके ऐसा धमका रहा है ऑफिसर्स लोग को। पिछले तीन चरणों में हिंसा की घटनाओं और चौथे चरण में हुई उग्र हिंसा और लाठीचार्ज के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों चुनाव आयोग और सुरक्षा बल पश्चिम बंगाल की स्थिति को नियंत्रण में नहीं ले पा रहे हैं, और आखिर ममता सरकार पर लग रहे गंभीर आरोपों में कितनी सच्चाई है। हालांकि अब दोनों ही पार्टियों ने चुनाव आयोग की शरण ली है, लेकिन लोकतंत्र के महापर्व में हिंसा की ये तस्वीरें वाकई शर्मसार कर देने वाली हैं। रिपोर्ट जनतंत्र टीवी। तो देखा आपने किस तरीके से लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली भी तस्वीरें सामने आती है, लेकिन इस पूरे मामले के बाद बाबुल सुप्रियो के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं। आज मुंबई में माया नगरी में भी हमने देखा किस तरीके से लोकतंत्र के इस महापर्व में फिल्मी सितारों में ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, और वो मतदान केंद्र पर पहुंचे अपने परिवार के साथ और अपने मत का प्रयोग किया। कैसे दिखाते हैं आपको। फिल्मी सितारों का लोगों में बेहद क्रेज देखने को मिलता है, खासकर भारत में जब कुछ एक्टर्स को भगवान की तरह पूजा जाता है, तो क्या वो खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे चलते हैं और खुद को फिट रखने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए उनके फैंस बेताब रहते हैं। अपने फैंस के लिए सितारे आए दिन अपनी लाइफ स्टाइल रूटीन शेयर भी करते हैं, ताकि वो उन्हें हेल्दी लाइफ स्टाइल जीने के लिए
प्रेरित कर सके। वहीं जब बात लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार की करें तो बड़े कर्तव्य को निभाने के लिए ये सारे फिल्मी सितारे पीछे नहीं हटे। लोकसभा चुनाव शुरू होने के कुछ वक्त पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई बड़े सितारों से अपील की थी कि वो अपने फैंस को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने के लिए अपील करें। वोट करना ये लोकतंत्र की जिम्मेदारी हमारी। इसके बाद बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों ने पीएम मोदी की बात को मानते हुए अपने सभी फैंस से पूरे जोश के साथ मतदान करने को कहा था। डेमोक्रेसी एक गिफ्ट है एंड देयर शुड ऑलवेज बी डेमोक्रेसी और इसको संभालना बहुत जरूरी है। वही चुनाव के दिन भी सभी सितारे मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया। फिल्मी सितारों में सबसे पहले सदाबहार एक्ट्रेस रेखा मतदान करने पहुंची। रेखा ने बांद्रा के एक बूथ पर मतदान किया और उंगली पर स्याही लगाकर ये सभी को दिखाया और खुशी भी जताई। रेखा माउंट मैरी स्कूल बांद्रा से वोट करती है और हर बार सुबह सुबह सबसे पहले वो वोट डालने की कोशिश करती है। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया और लोगों से मतदान करने के लिए अपील भी की। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे ने भी लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान दिया। ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अमेरिका से मुंबई का सफर किया। ऐसा करके उन्होंने अपने करोड़ों फैंस को मतदान करने के लिए अपील भी की। देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में फिल्मी सितारों का मतदान के प्रति न सिर्फ रुझान बढ़ा है बल्कि वो लोगों को भी इस अधिकार का उपयोग करने के लिए पुरजोर अपील करते नजर आते हैं। मतदान के दिन सुबह से ही पोलिंग बूथों पर सितारों का तांता लगा रहा। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन अपने पूरे परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे। इसके साथ ही सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन, उर्मिला मातोंडकर, माधुरी दीक्षित, कंगना रनौत, गीतकार जावेद अख्तर और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ आज मताधिकार का उपयोग करते हुए नजर आए। वहीं सबसे खास तस्वीर थी वो थी करीना कपूर के बेटे तैमूर अली खान की। जी हाँ, करीना कपूर अपने बेटे तैमूर को लेकर आज बूथ पर पहुंची और उन्होंने मतदान कर लोगों से मतदान करने की अपील भी की। बता दें कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के दिन महाराष्ट्र की 17 सीटों पर मतदान हुआ जिसमें मुंबई की सभी 6 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। मुंबई में उमड़ी सितारों की भीड़ से ये साबित होता है कि भले ही ये लोग अपनी दिनचर्या में कितने भी व्यस्त रहते हों लेकिन वोट करने के लिए वक्त जरूर निकालते हैं और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना नहीं भूलते। राजा सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो देखा आपने किस तरीके से फिल्मी सितारों में भी आज लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का क्रेज देखा गया। न्यूज रूम लाइव में फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।